हेलो फ्रेंड, खारदुंगला बाइकर्स ग्रुप पे आपका स्वागत है। और हम आ गए हैं लखनऊ में बादशाह नगर रॉयल एनफील्ड शोरूम पे। इवेंट के दिन मैं नहीं आ पाया था मेट्रो ट्रैफिक के कारण, मेट्रो वर्क कारण या काफ़ी ट्रैफिक था इस एरिया में, इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया था। और यहाँ पे ये दोनों बाइक्स लॉन्च हो गई हैं और इतना अमेजिंग प्राइस इन्होंने दिया है कि एकदम समझिए दिमाग सबका ख़राब हो गया है। और यहाँ पे देखने वालों का तो लगातार भीड़ है, लगातार भीड़ लगी हुई है। ये मैं एकदम इवनिंग में लगभग 8 बजे के आसपास आकर मैंने ये वीडियो शूट किया हुआ है, तब मुझे खाली मिला क्योंकि एक दिन मैं और आया था, काफ़ी भीड़ थी, मुझे मौका नहीं मिला था वीडियो बनाने का। और ये आपके सामने कॉन्टिनेंटल GT है 650 बाइक, तो सब लोग पहचानते, सारी स्पेसिफिकेशन लगभग सब लोग जान ही चुके हैं, बट बाइक बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा हम लोग, मैंने एक बार कहा था अपनी एक वीडियो में कि बिग इंजन बिग वाइब्रेशन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। तो जैसा रिव्यूज़ आ रहे हैं और जैसा मैंने इसको एक्सेलरेट करके देखा, उस हिसाब से ये बाइक बहुत ही परफेक्ट है। इस 650 cc की इंजन होने के बाद भी इतना कॉम्पैक्ट सॉलिड बाइक लग रही है कि ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी है बाइक। मुझे मेरा फेवरेट तो कॉन्टिनेंटल GT मुझे अच्छी लग रही है, बट मेरा इंटरसेप्टर पे बहुत ज़्यादा ही मन आ गया है, बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। यहाँ पे 5000 रुपये में ये बुकिंग ले रहे हैं और बता रहे हैं फरवरी वगैरह तक ये हो सकता है डिलीवरी देना चालू कर देंगे। और यहाँ पे जो सबसे बेस मॉडल का प्राइस है 2,94,000 ऑन रोड प्राइस बता रहे हैं जो इंटरसेप्टर का। ओके, और जो इस बाइक में बाकी सब तो बहुत ही अच्छा है, बट इसका जो इंडिकेटर है वो थोड़ा सा काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, बट एक डी जहाँ डी मेरिट होती है वहाँ पर उसकी मेरिट्स भी होती हैं। ये बाइक है तो बहुत ही ज़बरदस्त, गरीबों की बोनविल है ये एक तरह से बोले, और 3 लाख रुपए में आपको पैरेलल ट्विन इंजन मिल रहा है, ये तो अमेजिंग बात हो गई एकदम। इसका जो ये लोगो बना हुआ ये बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, ये इंटरसेप्टर भी लगा हुआ है जी, और ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़बरदस्त है इसका, पावर इतनी अच्छी है, प्राइस इतनी अच्छी है, सब कुछ तो इसका अच्छा है एक इंडिकेटर को छोड़ के। और इंडिकेटर वही है CD100 की जो पुरानी वाली बाइक आती थी उसकी इंडिकेटर की तरह, जो 90s और 2002-2005 के आसपास बाइक आती थी उसकी तरह इसका इंडिकेटर लग रहा है, वो थोड़ा सा गंदा लगता है, बाकी गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है। और वैसे भी इसमें इतने ज़्यादा मॉडिफिकेशन आने वाले हैं, ये इन फ्यूचर विद इन 1 ईयर आपको पूरी की पूरी चेंज बाइक दिखेगी, लोग ऐसे मॉडिफिकेशन कराएंगे इसमें, ये एकदम कम्प्लीटली बोनी की तरह आपको दिखाई देगी गाड़ी। बाकी तो आपको गाड़ी कैसी लगी आप बताइए, ये तो एक रिव्यू क्या है, ये का वो वॉक अराउंड है ये गाड़ी का, और देखिए आपको कैसी लगती है। मेरी फेवरेट तो इंटरसेप्टर ही है, और आपकी फेवरेट कौन सी है बताइएगा। कलर भी मुझे यही सिल्वर वाला अभी पसंद आ रहा है ज़्यादा, बस अगर मुझे मॉडिफिकेशन इसमें कराना होगा तो केवल मैं इसका इंडिकेटर चेंज कराऊंगा। और ये जो इसका ये टैंक और इंजन के बीच का ये है ना, ये थोड़ा सा पैरों के पास लगेगा, हीट आएगी, इसके लिए अगर कुछ कर पाऊँ तो, और अपने हिसाब का एक गार्ड लगाऊंगा, बाकी और कुछ नहीं लगाऊंगा मैं अपने, मैं तो प्योर जैसी होती गाड़ी मुझे वैसी पसंद है। जो इंजन वाइब्रेशन की बात हो रही थी वो अभी इस गाड़ी में एकदम नेग्लिजिबल हो गया है, और जो अगर थोड़ा बहुत है तो वो समझिए आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसका ये जो लोगो है ये बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा है, इसका ये टैंक कवर देखिए, ये भी एकदम स्पेशली एकदम पूरी तरह से डिज़ाइन किया हुआ, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब एक हर एक चीज़ इसकी बहुत ही अच्छी है। और इसका आप इंजन का साउंड देखिए, बहुत ही अच्छा साउंड है इसका, देखिए एक्सीलरेट करिए,
फ्रेंड्स, आपको वीडियो ये कैसी लगी प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर। और ये बाइक कैसी लगी और कौन सा कलर आपको पसंद है और कौन सा मॉडल आपको पसंद है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। बाइक की रूम चलाएंगे बड़े होने। कौन सी बाइक है बाबू, ये कौन सी बाइक है? तेज से बोलो। किसकी? रॉयल इनफील्ड की। किसकी है? हाँ, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।